कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई सनसनीखेज वारदात के बाद पूरा देश गुस्से में है। जलेसर के डॉक्टरों ने घटना को लेकर विरोध जताते हुए निकाला कैंडल मार्च। जलेसर के डॉक्टरों ने प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटल बंद कर मृतक ट्रेनी डॉक्टर के रेपिस्ट और हत्यारे आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। डॉक्टर विजय गौतम ने कहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कड़े कानून बनाए जाएं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घृणित घटना हुई है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। जलेसर कोतवाली के कस्बे में गौतम नर्सिंग होम से घंटा घर शहीद स्थल तक डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। कैंडल मार्च के दौरान जलेसर कस्बे की नगर पालिका अध्यक्ष गौरी वर्मा एवं डॉक्टर विजय गौतम, डॉक्टर यतेंद्र शर्मा यति, डॉक्टर विजय यादव, डॉक्टर शुभम यादव, डॉक्टर आर वी सैनी, डॉक्टर गौरव गोयल, डॉक्टर दिनेश दत्त, डॉक्टर सी पी शर्मा, डॉक्टर शेखर, डॉक्टर निखिल महेश, डॉक्टर ए के राजपूत, डॉक्टर बबलू राजपूत, डॉक्टर हरिशंकर शर्मा, हरि, डॉक्टर ऋतु वर्मा, डॉक्टर रानी, डॉक्टर सुनैना, डॉक्टर पूनम आदि चिकित्सकों के साथ दीपक शर्मा, सुभाना राठी आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजय कुमार। आज जलेसर कस्बे में कैंडल मार्च निकाला गया, क्या कैंडल मार्च था और कहाँ तक निकाला गया? ये कटरा चौकी से सुभाष पार्क जलेसर तक कैंडल मार्च है, जिसमें मेडिकल फैकल्टी के सारे लोग इन्वॉल्व हैं और हमारी चेयरमैन साहिबा भी हैं उसके साथ में, वो सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके सलाह और भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी साथ रहा है। कैंडल मार्च का क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य तो पहला उद्देश्य तो ये है कि जो मर्डर, ब्रूटल मर्डर हुआ है कलकत्ता के अंदर, हमारी सेकेंड ईयर रेजिडेंट को, उसको श्रद्धांजलि देना। दूसरे लोगों को अवगत कराना कि जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है अपने प्लेस पर जहाँ वो काम करता है, तो दूसरे लोग कहाँ तक सुरक्षित रहेंगे। और ये उजागर करना कि हमारी जो बंगाल गवर्नमेंट है, वैसे तो उसकी चीफ मिनिस्टर एक महिला है, उनको सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन उनकी संवेदनशीलता हम नहीं समझते किस तरफ है। बींग ए चीफ मिनिस्टर वो खुद मार्च निकाल रही है, तो वो किस लिए मार्च निकाल रही है, तो ये कुछ बात समझ में नहीं आती। इट मीन्स कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व है उसके साथ। इन्वॉल्व होने का मतलब है कि उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कहीं ना कहीं से बचाना चाहते हैं।